सैमसंग गैलेक्सी A73 5G मोबाइल इंडिया में लॉन्च होने वाला है, क्योंकि लॉन्चिंग डेट बताएंगे। और उसके पहले थोड़ा कुछ इसके बारे में बताते हैं, जो कि 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होने वाला है, फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का होने वाला है, बैटरी 5000 mAh विद 33 वाट फास्ट चार्जर, और स्क्रीन की बात करें तो सुपर एमुलेट स्क्रीन, और ये सब आने वाला। और वीडियो स्टार्ट करते हैं, प्ले द इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग चैनल। तो गाइस, आज हम जिस मोबाइल के बारे में बात करने वाले हैं वो है सैमसंग गैलेक्सी A73 5G, जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और लॉन्च होने से पहले आपको इसका पूरा रिव्यू बता देंगे, क्योंकि आपको सब पता चल जाएगा पहले से ही। आपको इसको गेमिंग के लिए लेना है, डिस्प्ले के लेना है, बैटरी परफॉर्मेंस देख के लिए लेना है, तो क्या देख के इसको लेना है वो आपको सभी पता चल जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, और सबसे पहले आपको बताते हैं इसका लॉन्चिंग डेट, जो कि 22 फरवरी को लॉन्च होने वाला है। और बात करते हैं इसके प्राइस की, 29,990 इसका प्राइस होने वाला है, जो कि 30,000 तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाने वाला गाइस, जो कि इस प्राइस रेंज में चलेगा। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस जो आपको पूरा अभी पता चलेगा। तो बिना कोई देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो, और सबसे पहले बताते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि एंड्रॉयड 11 के साथ आने वाला है। और इसका कस्टम UI अभी पता नहीं चला है, तो आगे पता चल जाएगा। और बात करते हैं सबसे पहले इसके परफॉर्मेंस की, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर के साथ आने वाला है, तो काफी अच्छा प्रोसेसर है, जो कि चलेगा। 900 देना चाहिए था इस प्राइस रेंज में, जो कि चलेगा, अब सैमसंग वालों के लिए चलेगा, जो कि इन्होंने ऐसे ही हर बार देते प्रोसेसर। और बात करते हैं इसके फैब्रिकेशन की, जो कि 8nm के साथ आने वाला है। और ग्राफिक्स की बात करें तो एड्रीनो 619 का सपोर्ट है, और रैम की बात करें तो 6GB रैम, और आगे बात करेंगे उसको एक्सपेंड कर सकते हैं नहीं रैम। और अतः इसके डिस्प्ले पे, जो कि सुपर एमुलेट डिस्प्ले होने वाला है, सुपर एमुलेट डिस्प्ले, और इसका हाइट है 6.7 इंच इसका डिस्प्ले होने वाला है। और रिजोल्यूशन की बात करें तो 1080x2400 पिक्सल के साथ आने वाला है। पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो 393 PPI के साथ आने वाला है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 80% है गाइस, और इसमें बेजल्स आने वाले हैं, पंच होल डिस्प्ले आने वाला है। और रिफ्रेश रेट की बात करें तो 90Hz रिफ्रेश रेट है, जो कि 120Hz देना चाहिए था इनको, जो कि चलेगा। जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस में डिस्प्ले काफी अच्छा है, 10 में से 8% देंगे। और इसके प्रोटेक्शन के भी अभी पता नहीं चला किस प्रोटेक्शन के साथ आएगा, तो काफी अच्छा है इसका डिस्प्ले, अभी देखते आगे। बात करते हैं इसके बैक कैमरा की, जो कि 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है, 108 मेगापिक्सल काफी अच्छा है, और 8 मेगापिक्सल टेलीपोर्ट कैमरा है, और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और 5 मेगापिक्सल माइक्रो कैमरा है, जो कि 4 कैमरा बैक साइड है, 8, 12, 5, 108, जो कि अच्छा कैमरा क्वालिटी है। और सैमसंग वालों का तो कैमरा तो अच्छा रहता ही है। और इसमें कुछ सेटिंग्स की बात करें तो ऑटो फोकस के साथ आने वाला है, LED फ्लैश लाइट के साथ आने वाला है। इसके रिजोल्यूशन की बात करें तो 1200x9000 पिक्सल के साथ आने वाला है। और इसमें ISO कंट्रोल है, शूटिंग मोड HDR का सपोर्ट है, टेस्ट टू फोकस का सपोर्ट है। तो बात करते हैं इसके वीडियो रिकॉर्डिंग की, जो कि वो भी इम्पोर्टेंट है ही, 4K 30fps पे रिकॉर्ड करता है, जो कि काफ़ी अच्छा ही है, बुरा नहीं बोलेंगे तो ठीक ठाक है। आते इसके फ्रंट कैमरे पे, जो कि फ्रंट में सिंगल सेटअप के साथ आने वाला है, 32 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस के साथ, 32 मेगापिक्सल इस प्राइस रेंज में इन्होंने हर बात देते ही हैं। और स्क्रीन फ्लैश के साथ आने वाला है। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो फुल HD 30fps पे AV फ्रंट से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है इस फ्रंट्स का भी कैमरा। और बात करते हैं इसके बैटरी परफॉर्मेंस की, जो कि 5000 mAh की बैटरी है, जो कि काफ़ी बड़ी बैटरी है, और फास्ट 33 वाट का फास्ट चार्जर, जो कि काफ़ी अच्छा है, USB टाइप सी के साथ आने वाला है। बैटरी परफॉर्मेंस एक दिन का बैकअप आराम से दे देगा आपको, नॉर्मल यूजर के लिए तो काफ़ी अच्छा ही है, 1.5 दिन का बैकअप दे देगा। और आते हैं इसके स्टोरेज की तरफ, जो कि 6GB रैम 128 स्टोरेज के साथ आने वाला है। इसको एक्सपेंड मेमोरी कर सकते हैं अप टू 1TB तक, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा, एक्सटेंड कर सकते हैं।
आ रहे थे इसके नेटवर्क कनेक्टिविटी पे, जो कि डबल सिम स्लॉट के साथ आने वाला है और दोनों सिम ट्रे नैनो सिम ट्रे के साथ आने वाले हैं, और ये 5G मोबाइल होने वाला है, 5G मोबाइल होने वाला है तो जानते ही हो आप, और दोनों सिम 4G बैंड के साथ आने वाले हैं। और बात करते हैं इसमें कुछ फ्यूचर्स की, जो कि वाईफाई आने वाला है, ब्लूटूथ आने वाला है, 5.1 GPS है, NFC का सपोर्ट नहीं मिलता है। इस प्राइस रेंज में 30,000 तक मोबाइल ले रहे हैं तो NFC दे देना चाहिए क्योंकि कोई नहीं। और USB कनेक्टिविटी की बात करें तो USB केबल से आप कनेक्ट कर सकते हो लैपटॉप में, जो भी है आप जानते हो। मल्टीमीडिया की बात करें तो लाउड स्पीकर के साथ आने वाला है, 3.5mm जैक नहीं है, 3.5mm जैक नहीं है, जो कि आजकल कॉमन हो चुका है, बहुत सारे मोबाइल्स में अब नहीं देते 3.5mm जैक, जो कि USB टाइप सी केबल है छोटा सा, उसके थ्रू आप यूज कर सकते हो। और बात करते हैं इसके सभी सेंसर्स की, जो कि सभी सेंसर के साथ आने वाला है, फेस लॉक के साथ आने वाला है, और फिंगरप्रिंट की बात करें तो ऑन स्क्रीन होने वाला है। तो सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, जो कि इसका पूरा रिव्यू बता चुके हैं आपको, पूरा परफॉर्मेंस बता चुके हैं आपके लोग किस लिए लेना चाहिए किस लिए नहीं। तो सो गाइस आपको किस लिए लेना है मोबाइल तो आप कमेंट कर सकते हो, और सबसे पहले जाने से पहले चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको सब पता ही चलेगा किस लिए लेना है, इसका प्राइस, इसका लॉन्चिंग डेट। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आप चैनल को सपोर्ट करते जाइए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। Like.